ओम साई राम। हेलो मेरे ब्यूटीफुल सॉल्स एंड हैंडसम सॉल्स। आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ अक्टूबर मंथ का, और मैं स्टार्ट करूंगी एरीज से। तो चलिए देखते हैं एरीज के लिए क्या है। उसके साथ आपको बता दो, मैं फ्री प्रेडिक्शंस डेप्थ रीडिंग दे रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर। आप अगर चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। फिर आपको उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे इंस्टाग्राम पेज टैरोट विद ट्रस्ट पे आपको भेज देना है, और फिर आप अपना क्वेश्चन भेजें। मैं डेफिनेटली एक डेप्थ रीडिंग देती हूँ जो भी मुझसे फ्री रीडिंग ले रहे हैं इस वक्त। ये ऑफर सितंबर के लिए है, तो स्टेप्स फिर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये था फ्री रीडिंग के बारे में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एरीज का जो मंथ ऑफ अक्टूबर होने वाला है वो कैसा होने वाला है। फूल, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। हाई प्रिस्टेस, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप रखें, वरना आप इसे जाने दें। ये तो इनका बेस एनर्जी हो गया। चलिए कैरियर कैसा रहेगा एरीज का, एरीज के अंडर जो भी लोग आते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर देख लेते हैं। कैरियर के लिए मैंने यहाँ पर कार्ड निकाल लिया है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है गाइस। यस, कार्ड को मैं सेटल कर दूं, प्लीज आप वेट करें। हेल्थ के बारे में देखते हैं उनका कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये उनका हेल्थ का कार्ड है, वाओ, द विल ऑफ फॉर्च्यून। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड रिकॉर्ड्स। और रिलेशनशिप के बारे में एक दो कार्ड देख लेते हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। काफी इमेच्योर एनर्जी मुझे लग रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोगों की, ठीक है। चलिए मैं बेस से स्टार्ट कर रही हूँ। इस मंथ पे आपको कुछ पैसा मिलने वाला है, डेफिनेटली आपको मनी गेन होने वाला है। मुझे यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है मनी गेन होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा मैच्योर बिहेव करना पड़ेगा अगर आप वो मनी रखना चाहते हो। आपको डेफिनेटली एक मैच्योर बिहेव करना पड़ेगा। मुझे लगता है आपके पास है सब कुछ, थिंकिंग पावर काफी अच्छी है, आप ट्रस्ट ओढ़ती हो, आप लोगों को ट्रस्ट करते हो, लोग आपको ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़े चाइल्डिश नेचर के हैं, इसीलिए ये कार्ड आया है, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, इसीलिए लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो आपको इस मंथ पे थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर छोड़ के मैच्योर होना पड़ेगा, ये एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप इमेच्योर है तो लोग आपको ठग लेते हैं, थोड़ा तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा और आप बचे, लोगों से थोड़ा बचे। हाई प्रिस्टस मुझे यहाँ पर बता रहा है, हाई प्रिस्टस अपराइट में आया है,
हाई प्रिस्टेस मुझे बता रहा है कि इस मंथ आपको कोई अच्छी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसे थोड़ा बहुत शेयर भी करने वाले हो, आप सारा नॉलेज शेयर नहीं करने वाले हो, आप कुछ छिपा के रखने वाले हो। और ये अच्छा भी है क्योंकि जब लोग आपको चीट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ओपन नहीं होना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत क्लोज रहना ही चाहिए। तो आप इस मंथ पे एक अच्छी एनर्जी में रहने वाली हो, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है। और आप हार्ड वर्क भी हो सकती हो, ठीक है, मुझे लगता है आप हार्ड वर्क करेंगे, वर्क ओरिएंटेड काम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कोई चीज़ को, आप बार बार मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा किसी भी चीज़ को सोचिए मत, ठीक है। तो आपके लिए जो कैरियर इस मंथ का रहेगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये कैरियर का कार्ड है, यहाँ भी पेंटिकल्स आया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत है। फिर आया है क्वीन ऑफ कप्स इन कैरियर एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स इन कैरियर। तो मैं आपको एक क्लियरली बता दूं, आप क्वीन होने वाले हैं या फिर किंग होने वाले हैं इस मंथ, ठीक है। आप काफी इमोशनल रहने वाले हैं, आप ऐसे पर्सन हो जो काफी इमोशनल रहते हो, तो आप काफी इमोशनल रहने वाले हैं। कोई कैरियर में आपको हेल्प मिलने वाला है, कोई आपको मदरली फिगर, कोई आपको हेल्प करने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे कैरियर अच्छा लग रहा है, आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, आप सबको अपनी वर्क प्लेस पर सबको इमोशनली अटैच हो रहे हैं सबके साथ, और सबको लेके चलना है वर्क प्लेस पे, सबको अच्छी बिहेवियर देना है, आपके माइंड में ये चल रहा है। उसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लगता है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बहुत सारा चीज को आपको देखना है, क्योंकि ये बेस एनर्जी आया है और ये टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। तो डेफिनेटली इस मंथ पे मुझे लगता है आप लोगों को कुछ लॉस हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, कैरियर में थोड़ा मुझे टेंशन दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए शायद ये इमोशनल कार्ड आया है। आप कैरियर में इमोशनल होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, लोग आपको ठग रहे हैं और आपको ये देखना है, और इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है, बेस कार्ड आपका। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, काफी वैसे अच्छा है कैरियर, लेकिन आप इमोशनल होने वाले हो, आपको कोई ठग लेने वाला है, बिजनेस करते हो तो, जॉब करते हो तो सैलरी ठीक से नहीं आने वाला है, लोग आपको थोड़ा परेशान करेंगे। तो आपको जरूरत है अपनी कैरियर में ज्यादा इमोशनल ना होना और थोड़ा अलर्ट रहना। फिर अगर हम हेल्थ के बारे में देखें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में आया है। ये रिवर्स कार्ड मुझे बताता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाला है, हालांकि जिस वक्त पर आप चाहते हैं वो नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। और एक बात यह है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यू चल रहा था वो साइकिल एंड हो रहा है, आपका हेल्थ काफी अच्छा हो रहा है और आप काफी इमोशनल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली मुझे आप इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है आप प्रॉपर मेडिकेशन लें, आप थोड़ा सा जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, तो आप मेडिकेशन लें। आपके लिए ये एक डेफिनेटली श्योर एक गाइड है कि आप मेडिकेशन लें, इसके बाद वैसे बहुत ही ज्यादा खुशी आने वाली है आपकी लाइफ में, अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो ठीक होने वाला है। फिर मैंने रिलेशनशिप के लिए ये दो कार्ड लिए थे, एक तो ये कार्ड हो गया सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी रिलेशनशिप मुझे लगता है डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ पैसे का चल रहा था, जैसे कि कहीं आपको आपकी पार्टनर बोल रही थी कि आप जल्दी सेटल हो जाएं, हम शादी कर लेंगे या फिर कुछ और, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको आपकी पार्टनर बोल रही थी डेफिनेटली आप जल्दी सेटल हो जाएं, हम शादी कर लेंगे, या फिर आपको सेटल होना है या फिर शादी करेंगे, मुझे ये सब वाइब्स आ रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पैसों की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, या फिर
आप अपने काम को, अपने हार्ड वर्क को इतना ज्यादा आप मेहनत करते हो, इतना ज्यादा महत्व तो देते हो कि सॉरी गाइस थोड़ा नॉइज है, आप अपने हार्ड वर्क को इतना ज्यादा पुश करते हो कि आपके रिलेशनशिप में वही चीज स्ट्रगल हो रहा है। तो मेक श्योर करें आप इमोशनली थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप के साथ भी थोड़ा काम करें। वैसे आपका रिलेशनशिप अच्छा है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन रिवर्स में तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में काफी सारे अच्छे हैं, खुश है, मनी भी आने वाला है। रिलेशनशिप अगर कैरियर सेटल नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो डेफिनेटली ये सब आने वाला है, लेकिन वक्त लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं, मनी के लिए सोच रहे हैं। तो आप इस वक्त है, आप थोड़ा मनी को असाइड करें और थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में ये वाले इमोशन ऐड करें। आप कैरियर पे ज्यादा इमोशन ऐड कर रहे हो क्योंकि आपके फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं और ये चीज आपके रिलेशनशिप पे हैवी हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इस वक्त देखने की जरूरत है। ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी काफी अच्छी लगी, बस लोगों से बचे जो आपको ठगते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज फॉर एरीज साइन, जोड़ियक भी हो सकता है कुछ भी, बट दिस इज फॉर एरीज। तो थैंक यू सो मच, अगर आपके साथ रिजोनेट हुआ है तो प्लीज आप मुझे कमेंट पे बॉक्स में प्लीज बताएं। ओम साई राम, ओम साई राम। दोस्तों मेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम सॉल्स, ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के लिए, टॉरस के लिए। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्री रीडिंग के बारे में बता दूं। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो क्या स्टेप फॉलो करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं जस्ट फ्री रीडिंग देती हूँ, सिर्फ ये स्नो में नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री रीडिंग कैसे लें चेक करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉरस के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर ये आपके साथ रिजोनेट हो रहा है तो आप रखें, अगर नहीं हो रहा है तो जाने दें, या फिर किसी और का आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर रिजोनेट हुआ तो होप करूंगी आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रिजोनेट हुआ कि नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉरस के मंथली प्रेडिक्शन। पहले मैं बेस एनर्जी निकालूंगी टॉरस की, जो टॉरस राशि वाले लोग हैं, वृष राशि, उनका ये मंथ का ओवरऑल एनर्जी किस तरह रहने वाला है, ये है उनका ओवरऑल एनर्जी। वाओ, सेवन ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नेक्स्ट कार्ड इज ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये उनका हो गया बेस एनर्जी। अब चलिए बॉटम ऑफ द डेक ये निकला है, ओके मैं रख लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्योंकि मुझे रिजोनेट लगा, रखना मुझे जरूरी लगा। एंजल्स में गाइडेंस करते हैं हमें क्या मैसेजेस रखना है। चलिए आपका टॉरस राशि वाले, वृष राशि वाले लोगों का कैरियर कैसा रहेगा इस मंथ में हम देख लेते हैं। कैरियर फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कैरियर के लिए और एक कार्ड निकालूंगी, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके गाइस। अब हेल्थ के लिए थोड़ा निकालते हैं, हेल्थ कैसा रहेगा आप लोगों का इस मंथ। रिलेशनशिप के लिए भी देख लेते हैं इस मंथ आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप कार्ड, सॉरी गाइस थोड़ा सा
जगह का प्रॉब्लम है। ओके, मैंने आपके रिलेशनशिप के लिए तीन कार्ड निकाले हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बेस एनर्जी चेक कर लेती हूँ। आप लोगों के पास अक्टूबर मंथ में काफी सारे ऑफर आने वाले हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे लव ऑफर्स आपके लिए आने वाले हैं। आप या फिर जो भी ऑफर आएंगे, आप इमोशनली इन ऑफर्स के साथ काफी अटैच्ड होने वाले हैं। लेकिन देखना ये है कि इस ऑफर आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन देखना ये है कि वो में से कौन सा ऑफर ठीक है कौन सा नहीं। जो ठीक है आप वहीं रखें। ये बेस एनर्जी हो गया। मुझे कुछ हेल्थ कंडीशन मुझे डेफिनेटली यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कुछ फाइनेंशियल लॉसेस मुझे नजर होता हुआ आ रहा है। आप काफी टेंशन में मुझे लग रहे हो। फिर मुझे लगता है आपको कोई बहुत बुरी तरीके से हर्ट करने वाला है, इसीलिए मैंने बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकाल के रखा। ये आया था, आपको कोई बुरी तरीके से हर्ट करने वाला है इस मंथ। आपको थोड़ा देख के चलना है, जैसे कि कोई आपसे कुछ छीन ले, कोई आपसे कुछ चोरी कर ले, या फिर आपको कहीं बुरा लगे, जैसे कि ये इमोशनल कार्ड आया है, आपके इमोशन के साथ कोई खेले, या फिर ऐसा हो सकता है आपकी पार्टनर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, पैसे के मामले में कुछ चोरी हो जाए आपसे, या फिर कोई रॉबरी हो जाए, तो उसे आपको देखे रहना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आप लोगों का कैरियर मुझे इस मंथ बहुत हैवी एनर्जी लग रहा है। आप लोगों ने आप लोगों ने अपने कैरियर में बहुत खुश होके आपने कुछ स्टार्ट किया था, अपने कैरियर में, लेकिन मुझे लगता है वो प्रॉब्लम दे रहा है अभी। आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें, आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है मैं कैसे करूं, ये काम मैंने स्टार्ट किया मैं कैसे करूं। और मुझे वैसे ही लग रहा है कि आपके कैरियर में किसी ने डेफिनेटली आपको चीट किया है, आपके ऑफिस में कोई आपको चीट किया है, पीछे जो छुरा भोंकते हैं वो हुआ है, इसीलिए आप इस वाले एनर्जी में है। आपको किसी ने दर्द दिया है, 10 एंड 10, फिर मुझे यहाँ पर फिर से 10 नजर आया। वाओ गाइस, मुझे यहाँ पर 10 बहुत ज्यादा नजर आया। मुझे लगता है आपको 111 डेफिनेटली दिख सकता होगा। यस, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे 5 भी आया है, 557 भी आया है, मतलब एंजेलिक गाइड है आपके पास। ठीक है, तो आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से ऑफिस में कुछ कहा है, या फिर बिजनेस में किसी ने कुछ कहा है, तो चीटिंग तो हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ेगा। अब टेंशन नहीं लेना है आपको वर्क प्लेस पर, आपको टेंशन डेफिनेटली नहीं लेना है, क्योंकि लोगों ने ये किया है आपने नहीं किया है, इसीलिए ये बेस एनर्जी आया है। कुछ मनी प्रॉब्लम भी मुझे लग रहा है यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैं हेल्थ के लिए तीन कार्ड मैंने निकाले थे आपकी, तो ये देखिए जो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, आपके जो वर्क प्लेस में प्रॉब्लम होगा, ये आपकी हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली असर करेगा। ठीक है, आपको डेफिनेटली असर करेगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे ही, आपके हेल्थ के ऊपर आपको डेफिनेटली ये थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा सा मुझे लगता है असर कर रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, मुझे यहाँ पर आपकी हेल्थ बहुत जल्दी स्पीड रिकवरी के लिए मुझे नजर आ रहा है। वैसे भी आप थोड़े स्ट्रेस में थे कुछ दिनों से, कुछ हो सकता है मेंटल स्ट्रेस हो, लेकिन आप स्ट्रेस में थे कुछ दिनों से, तो मुझे यहाँ पर आपकी हेल्थ की रिकवरी नजर आ रही है। और उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा अलर्ट होने की डेफिनेटली जरूरत है। आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपके पीछे हों, तो आप थोड़ा हेल्थ में अलर्ट हो। लेकिन आपकी हेल्थ में काफी अच्छे बने हैं। आपकी फैमिली, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा केयर करेगी, आपके लिए आपको सपोर्ट करेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मुझे हेल्थ अगर कुछ खराब है तो क्योर होने के लिए फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। पैसा होगा आपके पास उसे ठीक करने के लिए, बस ऐसा है कि लोगों को थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मुझे जो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स मुझे लग रहा है, ये एंजाइटी आपको बहुत ज्यादा हो सकता है, एम्बेरसमेंट हो सकता है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बेस एनर्जी और वर्क एनर्जी असर कर रहा है, ठीक है। आपको एंजाइटी रहेगा, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन टेंशन ये रहेगा, लेकिन चिंता ना करें, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और वैसे भी आपकी फैमिली का आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट चलिए रिलेशनशिप कार्ड देख लेते हैं। ये है द चैरियट, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आप अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और इसीलिए आप थोड़ा सा वो रिलेशनशिप में स्टक होके रह गए हैं, क्या करना है क्या नहीं, तो आप थोड़ा सोच रहे हैं वो रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो काफी अच्छा रिलेशनशिप होने वाला है। आपको एक गॉड ग्रेस मिलने वाला है, वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होने वाली है। उसके साथ साथ आप या फिर आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लगता है वो एक स्ट्रांग माइंडेड पर्सन है और आप भी शायद एक स्ट्रांग माइंडेड डेफिनेटली पर्सन हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि आपको रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से रहना है, मुझे ओवरऑल एनर्जी काफी अच्छी आ रही है आपकी रिलेशनशिप के लिए। और मुझे लगता है आपकी जो पार्टनर है वो आपकी कुछ मनी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर मनी प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए स्ट्रेंथ बनकर वो आएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप जो अभी चिंता में है, क्या है रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है कि नहीं है, तो आप उसे कंटिन्यू करें। सिंगल है तो किसी के लिए वेट कर रहे हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी रिजोनेट हुआ है, कॉमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर आप लिख के बताइए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। ओम साई राम, थैंक यू सो मच।